नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं पहुंच चुका हूं सिसवा गांव है और यहां पे रईस खान जी, समाज सेवी रईस खान जी पहुंच चुके हैं। वहाँ भी MLC प्रत्याशी हैं, इस बार जिले चुनाव लड़ने वाले हैं और पहुंच चुके हैं सिवान जिला से, मौर्य क्षेत्र है और इनका जनता का समर्थन बार मिल रहा है। और पूर्व श्याम माधव सिंह जी पहुंचे हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं और लगातार जनसंपर्क करते दिखे आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस पहुंचे हैं यहाँ कार्यक्रम में, सबसे पहले आपका शुभकामना है सर, क्या कुछ कहेंगे आज कैसा लगा? आज कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं काफी जोर शोर से आज कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और जनाब रईस खान साहब को गणतंत्र दिवस के मौके पर बहादुरपुर बाजार में स्वागत किया गया है और यहाँ पे आए हुए हैं और भावी विधान परिषद MLC प्रत्याशी है सिवान जिला से, सिवान डिस्ट्रिक्ट से और पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और उनके साथ में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं और तरीके से यहाँ पे लोग आ चुके हैं और कई ऐसे नेता, कई ऐसे उम्मीदवार लोग पहुंचे हुए हैं और काफी उनको बहादुरपुर जनता, बहादुरपुर के लोग उनको काफी सम्मानित कर रहे हैं और जिस तरह से लोग उनको प्यार समर्थन दे रहा है, काफी एक जोश भरा एनर्जी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। लाला है भैया, आप देख सकते हैं आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पहुंचे हुए हैं, बहादुरपुर बाजार है और जिस तरह से लोगों का समर्थन इतना भरपूर मिल रहा है और उनके साथ में पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह जी भी पहुंचे हुए हैं और वरिष्ठ नेता भी और कई लोग यहां पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम में काफी लोग पहुंचे हुए हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करूंगा आज मैं पहुंच चुके हैं जनाब रईस खान साहब, गणतंत्र दिवस के मौके पर बहादुरपुर बाजार में स्वागत किया जा रहा है और पूरे भारतवासियों के लिए हमारे उम्मीदवार रईस खान साहब जीवन कुमार अखलाक अहमद की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हम लोग पहुंचे हैं अखलाक अहमद जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार भी है, उद्दीनपुर है और वहीं से एक निवासी है और पहुंचे हुए हैं आज भावी विधान परिषद MLC प्रत्याशी सिवान जिला से रईस खान जी, नेशनल वुमेन राइट्स प्रत्याशी हैं, उनको साल देके सम्मानित करेंगे बैकग्राउंड में। और मैं इस वीडियो को देखे लाइक करता हूं, आप तालियों के साथ उनके स्वागत कीजिए। देते हुए साथियों के साथ और श्याम बहादुर साहब को भी एक सौ सम्मानित करेंगे भी मदन भाई के द्वारा, साथियों का स्वागत। जीवन भाई सम्मानित करेंगे, साथियों के साथ और श्याम बहादुर साहब को भी एक सौ
सम्मानित करेंगे अभी लगन भाई के द्वारा। तालियों का स्वागत। तो आप ही कहते हो जीवन भाई सम्मानित करेंगे। तालियों का स्वागत कीजिए इनकी। किसी एक लोग तो देखते राशि टकरा गई है। कि ऊपर वाला ना करे कि आप पर कोई समस्या आ खड़ी हो, लेकिन यदि ऐसी समस्या आपके जीवन में किसी क्षेत्र में आ ही कि यह चुनाव मतदाता से ना है, मालिकों से ना है, अपना रहन पे चलते हैं, थोड़ा सा वोट चुनाव हार गए, लेकिन आगे उनका जीत और हमार हार और बरोबर नहीं कि हमार के सीए झटका, लेकिन आज दो सुख में कोई स्थिति प्रस्थिति में जो हमारे यहाँ जाला विश्वास न अपना हाथ है, अपना हाथ तब चाय पियाई है आप तो भर बलती तो नेता थोड़े हर है हमें तो मिलता बनी मरे गति ये बात जरूर कह जवाब खाली बा बहादुर को ना पूरा जिला खाली बा भाई के हाथ में बागडोर दिया निश्चित रूप से जौन काम बाकी बा जौन काम अधूरा बा रईस भैया हमारे पूरा करी है पाता के विश्वास बा कि वहां के ना देखाई ना वहां का झटका लगाना से बहादुरपुर के जनता जी में यहाँ पर मौजूद है। सब भाइयों को नमस्कार सलाम प्रणाम और गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। मैं कई साल उसी प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप का पूरा स्वागत जिस तरह से किए हैं उस तरह से आप लोगों का सपोर्ट सहयोग मदद हमको मिल रहा है जिसके कारण हम एक दूसरे से कोई रोक नहीं पाए और आप लोग के भरोसा पे उम्मीद के हर समय खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। जिस वक्त जिस चीज की भी जरूरत हो हमारे पास पैसे डालने की जरूरत है हम आपके बीच में रहेंगे और इससे ज्यादा अभी क्या बोलूं। एक बार सदन में आप लोग भेज दीजिए उसके बाद किस तरह से जैसे भी काम लेना हो हमसे कहिए आपके उम्मीद पर आपके भरोसा पर खड़ा उतरूंगा। जय हिंद जय भारत।